guys, let us see one more sum on converse of basic proportionality theorem. Okay, again, triangle PQR की बात हो रही है. Triangle PQR की बात हो रही है. E and F यहाँ है. पता करना है आपको कि E F parallel है कि second QR से. ठीक है. अभी क्या होगा, PE upon EQ equal to PF upon FR अगर आ गया तो by converse of equity वो parallel हो जाएगा. ठीक है. Let's see data क्या दिया है. PQ दिया है, ओके, बड़ा डिस्टेंस दे दिया, PR भी है, PR दे दिया, ओके, PE दिया है और PF दिया है. मुझे एक बात बताओ, PQ में से PE माइनस करूँगा, PR EQ आ जाएगा, ओके, वो दिखाएंगे हम, और कैसे दिखाएंगे वो तरीका देखते हैं, और PR में से PF माइनस कर दूंगा तो मुझे FR आ जाएगा, ओके, तो मैं क्या करता हूँ? मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जब प्रूफ कर रहा था तो मैंने आपको एक और रेशियो के बारे में बात की थी कि अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो एक और रेशियो बनता है पी क्यू अपॉन पीई इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ अपॉन पी एफ. ये भी रिलेशन बताओ, तो बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा, ठीक है. बड़े का छोटे के साथ जो रेशियो ये साइड में है, यहाँ भी बड़े का छोटे के साथ रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये पैरेलल होगा इससे. तो ये पैरेलल मुझे अगर चेक करना, ऐसा चेक करना, तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा, इसका ट्राई करूंगा वैल्यू निकालने की, इसका ट्राई करूंगा वैल्यू निकालने की, और एक्चुअल बीपीटी का जो रेशियो है उसमें लेके आऊंगा. ओके ओके. So, PQ upon PE निकालना. क्या है PQ upon PE? 1.28 upon 0.18. Okay. Multiply by 100 करता हूँ मैं. 128 upon 18. ठीक है. 2 9s are 2 6 हो जाएगा. 3 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. तो ये हो जाएगा 64 upon 9. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो PQ और PE, तो मैं चाहता हूँ कि EQ आए, PE तो है, EQ आए PQ के जगह पे. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, by dividendo, by dividendo, dividendo का मतलब एक्चुअली होता है दोनों साइड माइनस वन करना, मतलब PQ upon PE माइनस वन इक्वल टू 64 upon 9 माइनस वन. इसका मतलब एक्चुअली डिविडेंडो, ये इसको एक्चुअली डिविडेंडो बोलते हैं. ठीक है, पी क्यू माइनस पी ई अपॉन पी इक्वल टू 64 माइनस 9 अपॉन 9. अच्छा, पी क्यू माइनस पी ई ये हो जाएगा तुम्हारा ई क्यू. ई क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू 64 माइनस 9 इज 55. ठीक है, 55 अपॉन 9. सो ई क्यू अपॉन पी ई, तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी इन्वर्ट करूंगा, इन्वर्टेंडो. सो बाय इन्वर्टेंडो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू 9 अपॉन 55. ठीक है, उसी तरीके से मैं अभी पी क्यू अपॉन पीई किया ना, तो अभी मैं क्या करूंगा, पी आर अपॉन पी क्यू अपॉन पी बी आर अपॉन पी एफ. पी आर है 2.56 और पी एफ है तुम्हारा 0.36. अगेन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, तो 4 के टेबल में जाएगा, 4 9 36, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 64 by 9. Same ratio आ रहा है, देखो 64 by 9, 64 by 9. अब मैं क्या करूँगा, by dividendo, PR upon PF minus 1 equal to, ये नहीं लिखना आपको,
आपको ये माइनस वन वाला स्टेप नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है। इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है, ये मैंने खाली आपको समझाया है डिविडेंड क्या होता है। तो पी आर अपॉन पी एफ माइनस वन इक्वल टू 64/9 -1, सो देयरफॉर पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा आपका एफ आर, एफ आर अपॉन पी एफ इक्वल टू 55/9। सो देयरफॉर पी एफ आर और पी एफ है ना, देयरफॉर पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू 9/55, ठीक है, बाय इनवर्टेंड इनवर्टेंड, ठीक है। सिंस पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये वन है, ये आपका टू है। तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयर फोर, सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लाइन पी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, आई होप समझा होगा आप लोग को ये सब। स्टिल फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या कोई डाउट होगा तो जस्ट कम्युनिकेट में, ट्राई टू टेल योर डाउट्स कमेंट में, क्लियर तरीके से आप अपने डाउट्स मेंशन करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टाइप के अलग अलग सम्स लेके आता हूँ मैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल अगर पसंद आए तो, लाइक करना, ठीक है, सो दैट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर, बाय।